नगर निगम आयुक्त विवेक राय ने मंगलवार को काशीपुर स्टेडियम में स्विमिंग पूल का शुभारंभ किया। इस दौरान नगर निगम आयुक्त विवेक राय ने बताया कि काशीपुर एक उभरता हुआ शहर है जिसकी आबादी लगातार बढ़ रही है। काशीपुर स्टेडियम में स्विमिंग पूल खुलने से शहर के बच्चों को एक मंच मिलेगा और प्रतिभा भी निकल कर देश विदेश में नाम करेगी। वहीं प्रभारी जिला क्रीड़ा अधिकारी निर्मला पंत ने बताया कि स्विमिंग का प्रशिक्षण शुरू कर दिया गया है। इस बार मासिक प्रशिक्षण का शुल्क बढ़ाया गया है। बच्चों के लिए 1500 जबकि बड़ों के लिए 2000 रुपए फीस रखी गई है। स्विमिंग पूल में सुरक्षा के सभी मानक पूर्ण कर लिए गए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारा एक जिला खेल प्रोत्साहन समिति है जिसके माध्यम से हम जनपद में खेल गतिविधियों को शुभारंभ करते हैं, और कुछ हमारे जिला योजना से होता है, कुछ हमारा राज्य सेक्टर से होता है। ये जो हमारा खेल प्रोत्साहन समिति है, इसमें हम स्विमिंग पूल चलाते हैं और जो भी छोटी मोटी बच्चों को छोटी एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं, किसी को जाने में कुछ प्रॉब्लम है, तो उस मत से हमारा ये खेल प्रोत्साहन समिति चला है। तो अभी हम जो है ये स्विमिंग पूल का हमने उद्घाटन करा। इसमें विभागीय मानकों के अनुरूप, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगी, पहले हमारे विभागीय मानकों के अनुरूप 600 रुपये था, जो विभाग के स्तर से इस बार बढ़ा के 1500 रुपये बच्चों की मासिक रखा गया है, और जिसमें रजिस्ट्रेशन शुल्क भी 50 रुपये है और सीनियर जो है उनके 2000 रुपये करें 800 रुपये से। और इसी से हमारा पूल मेंटेन करने के लिए हमें इसमें लाइफ सेवर, हमारे कोचेज और साथ में इसके सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे सेफ्टी गार्ड के हिसाब से और जो भी स्टाफ स्विमिंग के लिए ज़रूरी है वो रखे जाते हैं, और जो भी इसके उपकरण हमें प्रशिक्षण के लिए ज़रूरी होते हैं वो भी हम इसी मत से लेते हैं। मेरी समझ से 2011 की जनसंख्या के बाद से अब जब जनगणना होगी तो इसकी आबादी 4 लाख से ऊपर जाएगी, बहुत तेज़ी से विस्तार कर रहा है ये सब। तो निश्चित रूप से ये सुविधाएँ जुटाना नगर वासियों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। दो दो स्विमिंग पूल यहाँ विकसित करके नगर के हमारे जो युवा बच्चे हैं उनको एक दिशा देने का प्रयास स्टेडियम के लोगों ने किया है, बहुत ही सराहनीय है। मुझे नगरवासियों से ये कहना है कि जो बच्चे इस तरीके की रुचि रखते हैं उनको नियमित रूप से यहाँ भेजें, साथ ही यहाँ का जो प्रबंधन देख रहे हैं स्टेडियम के लोगों को, उनको भी कहना होगा इसको सतत जारी रखा जाए। जब कंटिन्यूएशन में होगा तभी जाके प्रतिभाएं आगे आएंगी, और उनको अगर अपना भविष्य दिखेगा तभी यहाँ पर जो है प्रतिभा करेंगी। निश्चित रूप से यह लोगों को स्वस्थ रखने और रोजगार देने का एक बड़ा संसाधन विकसित किया गया है। जो है स्टेडियम जो है इसके लिए बधाई का पात्र।